दवाइयाँ चाहिए अभी सारी, कम से कम 2 महीने की दवाइयाँ सारी लेकर आइए। और इसके अलावा घर का किराए का हो गया, ठीक है, ये लीजिए। आप सैयद तो नहीं है ना? ठीक, ये राशन कार्ड है, ये आपके राशन का इंतज़ाम हो गया, ठीक है। आपको बस ये लेकर कौन आया करेगा, मुझे फिक्र ये कि वो अंकल तो नहीं जा सकेंगे लाने के लिए, कोई पड़ोस में आप इनके पड़ोसी, बस थोड़ा सा आप ख्याल कर लीजिएगा, है ना। अल्लाह आपको अजर देगा, अल्लाह आपको अजर देगा। मतलब कोविड करना, मैंने एक हमारे जानने वाले हैं यहाँ के, तो उनसे लेकर उनसे बात की, तो आपके पास कल बात कराई थी मैंने। हाँ। तो मैं खुद लेकर आई हूँ, हर तरह से मैं कोशिश करती। आपको बहुत अजर मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पड़ोसियों को इतना अजर मिलता है जो अपने पड़ोस का ख्याल रखते हैं। नहीं, वे माँ की जगह है बिल्कुल। बस ये राशन इनको आप ये कार्ड ले लीजिएगा आप, और अपने घर में कोई बड़ा आपका लड़का वड़का कोई हो उनको कहिएगा इनका राशन, और ये पैसे इनसे कर्जा उतरवा दीजिए, और 6,000 रुपये महीना मेरी तरफ से। बाकी अब मैं एक तो ये रखिएगा अपने पास महमूद सुल्ताना फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से, इससे आपने अपने लिए और अंकल के लिए कपड़े बनवाने, ठीक है। ईद पर आपने कपड़े पहनने अच्छे नए वाले, सही, और उनको छोड़ें जिन बच्चों की आप बात करें, दुनिया में अब ये साबित होता जा रहा है कि किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि हम सब दुनिया परस्त हो गए हैं। दुनिया परस्त, पहले दुनियादार होते थे तो सही था, दुनियादारी में आप जनाब अच्छे, लेकिन अब हम दुनिया परस्त हो गए हैं, दुनिया दुनिया की परस्तिश करने लगे, इबादत करने लगे हैं दुनिया की, और जो खुदा की इबादत करनी चाहिए उसे भूल गए, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये रखिए। ईद के बाद मैं, हम आप रबते में रहते हैं, मैं कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा काम कर लेंगे अंकल के, बाहर कोई दुकान लगा दी जाए, उस पर बैठ जाएँ वो, जैसे टॉफियाँ वगैरह बेचते हैं या कुछ, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको हर महीने को पैसे ना दे आकर खुद आप कमाएँ, ताकि कोई किसी पर बोझ ना बने, ठीक है ना। रोज़गार होना चाहिए, और वो घर में ये दवाइयाँ उन्हीं के लिए हैं सारी, आपकी भी हैं और उनकी भी कोई दवाइयाँ हैं उनके लिए, वो जो दो दिए हैं आपने मुझसे, ठीक बिल्कुल सर। ये एक बच्ची लाई थी, ये आपके लिए हैं, ठीक है, ये ला कर रखा है, ये आपके लिए, और ये तो लिखा, ठीक है। हमारे लिए दुआ कीजिए, एक और एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा बात कर रहे हैं? आबिद हुसैन बात कर रहा हूँ शारजा से। जी आबिद हुसैन साहब फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं पहले दो बातें करूंगा, एक तो ये जो मेरी माँ बैठी है इनके कहें कि आपके वो बेटे जैसे भी हैं, आपके कोई एक बेटा नहीं, पूरा पाकिस्तान के बेटे आपके बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बेफिक्र रहिए, कोई ना कोई तो आपका मदद करेगा। और मेरी तरफ से एज अ ईदी इनके लिए मैं 50,000 इनको दूंगा एज अ ईदी गिफ्ट। माशाल्लाह, ईदी भी आगे देखें आपके एक बेटे की तरफ। हाँ जी, तो इनको कहें भी हम भी आपके बेटे हैं, इंशाल्लाह जो है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह तो होता है, उस बेटे के सर पे भी हाथ रख देना। इधर आओ बेटा, इधर आओ, नहीं ये इसके सर पे हाथ रखे, इसको दुआ दें, ये खुद आया है चलकर बेचारा, पूछता पाछता मदद के लिए, दुआ कीजिएगा। हाँ, इसके लिए दुआ, दुआ चाहिए आप, दुश्मनों से हम भलाई से बचा है। हम तो डॉक्टर साहब की नहीं, लाइन पे चल गए। नहीं नहीं बस माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत दे। ये पता नहीं कहाँ से अचानक आ गया, पैसे लेकर आया, मुझे देने हैं ये किसी को, मैंने कहा अच्छा बैठो इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा, और देखो वो पूरे 1.5 लाख का कर्जा था और पूरे 1.5 लाख लेकर आया, देखें आप कैसी कमाल की बात है। कुदरत जी आप बैठे, ठीक है। नाज़रीन किराम, एक कॉलर और मौजूद हैं, और अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है ना, और इंशाल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। एक कॉलर और मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा बात कर रही हैं? उमैमा जमान बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। जी उमैमा जमान साहबा फरमाइए। डॉक्टर साहब कल रात को मैं एक्चुअली दुबई से आई हूँ, और मैं रहती दुबई और कराची में हूँ दोनों जगह। कल रात को एक प्रोग्राम आपका चल रहा था टीवी पे, जिसमें चार पांच बच्चे रिटायर्ड दिखाए, और एक जी बैठे हुए यहीं पर बैठे हुए अभी डॉक्टर साहब।
बहुत छोटी सी हकीर सी, मेरा तो आप सोचिए, मैं उस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं सो नहीं सकी, और उसी वक्त में आप, इसलिए मैंने फोन किया, लेकिन आपका फोन कॉन्स्टेंटली बिजी आ रहा था, सो आई लेफ्ट अ मैसेज दैट प्लीज कॉल मी, अ वेरी स्मॉल अमाउंट आई वॉन्ट टू गिव, एंड समबडी अगर कोई मुझे फोन कर ले बाद में तो आई वुड लाइक टू गिव, कोई रेगुलर मैन को देना चाहूंगी, अगर आपके ऑफिस में से कोई मुझे कॉन्टेक्ट कर ले। अभी आपको कॉल करते हैं, ठीक है, अभी करते हैं आपको कॉल। ओके अच्छा, ओके जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक और साहब आए हैं और 10,000 रुपये बाहर देकर गए हैं, वो मैं आपको अभी पहुंचाता हूं। मेरे भाई आपके लिए 10,000 रुपये एक साथ देके गए, तो मैं भी आपको देता हूं, ठीक है ना। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। एक हमारे मेहमान और हैं, बस मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हूँ उन वाक़ियात की तरफ जहाँ मैं अपने आप को, आप यकीन करें, मैं मुनव्वर साहिबा की जो दास्तान थी बहुत ज़ब्त और तहम्मुल से आपको सुनाई है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीवियरिटी की तरफ बढ़ता हूँ। और अब जो हमारा मेहमान है वो एक 6 साल की बच्ची है, और उसके साथ क्या मसला है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक वक्फा, वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं, हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहेंगे। हाफिज़ हसन से गुजारिश करेंगे कि वहाँ बैठें, आप आखिरी शरीक हैं, क्वेटा से आएँ, मुकाबले उसने करात की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।